हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 एप्पल वैरायटी के बारे में जो मार्केट में काफ़ी पॉपुलर रही है। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे 10 नंबर वाली वैरायटी के बारे में और लास्ट में आपको नंबर वन वैरायटी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर बात करें 10 नंबर वाली वैरायटी के बारे में, 10 नंबर पे आती है हमारी हेपका एप्पल वैरायटी। यह एक इटालियन वैरायटी है जिसका एलिवेशन जो है 7000 से 9000 फीट की हाइट में रहता है और कलर जो है डार्क रेड रहता है। इसकी हार्वेस्टिंग जो है अगस्त सितंबर अक्टूबर में की जाती है। यह एक बहुत ही कमाल की वैरायटी है और हाइट में ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है और मार्केट में इसकी जो वैल्यू है वो भी बहुत अच्छी है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 9 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 9 पे आती है रेड कैप एप्पल। यह एक इटालियन वैरायटी है। इसका जो एलिवेशन रहता है वो 6500 से 8500 फीट की हाइट में रहता है और इसका कलर जो है डार्क रेड रहता है। हार्वेस्टिंग जो है अगस्त से सितंबर में की जाती है और हाइट में अगर इसको हम लगाते हैं तो इसमें कलर और साइज़ जो है काफ़ी अच्छा रहता है और मार्केट में जो इसकी वैल्यू बहुत अच्छी है। इसके बाद बात करते हैं हम नंबर 8 वैरायटी की। नंबर 8 पे आती है एडम। यह एक अमेरिकन वैरायटी है। इसका जो है एलिवेशन 4500 से 7000 फीट की हाइट में रहता है और कलर जो है डार्क रेड रहता है। इसकी हार्वेस्टिंग अगस्त और सितंबर में की जाती है और मिडल और लो बेल्ट के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी है और इसका जो रेट है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसके बाद का बात करते हैं हम नंबर 7 की। नंबर 7 पे आती है डार्क बैरन काला। यह एक इटली की ग्रेवा नर्सरी की वैरायटी है। इसका जो एलिवेशन है वो 4500 से 7000 फीट की हाइट में रहता है। यह एक सेल्फ पॉलिनेशन वैरायटी है। इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें हर साल फसल रहती है, इसमें कोई ऑफ और ऑन सीजन नहीं रहता है। अब बात करते हैं नंबर 6 की वैरायटी की। नंबर 6 पे आती है जेरोमन। यह एक अमेरिका की वैरायटी है। इसका जो एलिवेशन रहता है 4500 से 7000 फीट की हाइट में रहता है। इसका जो कलर है वो डार्क रेड रहता है। इसकी हार्वेस्टिंग जो है जुलाई और अगस्त में की जाती है और यह मिडल बेल्ट के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसकी खास बात यह है जब सेब मटर के दाने के बराबर हो जाता है तो इसमें जो है कलर आना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं नंबर 5 की वैरायटी। नंबर 5 पे आती है हमारी स्काईलाइट स्पर 2। यह एक अमेरिकन वैरायटी है। इसका जो एलिवेशन रहता है वो 4500 से 7000 फीट की हाइट में रहता है और इसके जो कलर है वो रेड रहता है। इसमें जो हार्वेस्टिंग रहती है वो अगस्त से सितंबर में की जाती है। यह एक बहुत ही कमाल की वैरायटी है। काफ़ी टाइम से जो मार्केट में इसका काफ़ी अच्छा रेट है। अब बात करते हैं हम नंबर 4 की वैरायटी की। नंबर 4 पे आती है अर्ली रेड वन। यह एक अमेरिका की वैरायटी है। इसका जो एलिवेशन रहता है वो 6500 से 8500 फीट की हाइट में रहता है। इसका जो कलर है वो डार्क रेड रहता है। इसकी हार्वेस्टिंग जो है मई अप्रैल और मई में की जाती है और ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है। मार्केट में जो वैल्यू है इसकी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे आती है रेड फ्लॉक्स। यह एक इटालियन वैरायटी है। इसका जो एलिवेशन रहता है वो 5000 से 8000 फीट की हाइट में रहता है और इसका जो कलर है वो डार्क रेड रहता है। यह इसकी जो हार्वेस्टिंग की जाती है वो अगस्त से सेप्टेम्बर में की जाती है। इसका जो पौधे की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रहती है और मार्केट में जो है इसे काफ़ी टाइम से जिसका रेट है वो बहुत अच्छा चल रहा है। और नंबर 2 पे हमारी दो वैरायटी आती है जो है जेड वन और रेड लव एप्पल। जेड वन एप्पल जो एक लोअर एलिवेशन वैरायटी है। इसका जो एलिवेशन रहता है वो 4500 से 7000 फीट की हाइट में रहता है और हार्वेस्टिंग जो है जुलाई और अगस्त में की जाती है। यह जो कलर रहता है इसका काफ़ी डार्क रेड रहता है। अभी तक का जो है सबसे डार्क रेड एप्पल है और इसकी जो पौधे की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रहती है और मार्केट में जो है इसका रेट बहुत अच्छा है। और बात करते हैं रेड लव एप्पल की। यह एक स्विट्ज़रलैंड की वैरायटी है। इसका जो एलिवेशन रहता है वो 6000 से 7000 फीट की हाइट में रहता है। यह एकमात्र ऐसी वैरायटी है जिसका जो कलर है अंदर और बाहर दोनों से लाल रहता है और यह सबसे महंगी बिकने वाली वैरायटी है। अब बात करते हैं नंबर 1 वैरायटी की। नंबर 1 पे आती है हमारी किंग रॉड। यह एक इटालियन वैरायटी है। इसका एलिवेशन जो है 4500 से 7000 फीट की हाइट में रहता है। इसकी हार्वेस्टिंग जो है अगस्त से सितंबर में की जाती है और यह हिमाचल में सबसे ज़्यादा डिमांड में है क्योंकि जो मार्केट में इसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी है। अगर आप जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।